अपने राजनीतिक अनुभव से 1 जून 2017 को जो बनेरा प्रारंभ होने वाला था उससे 2 महीने पहले 29/4/17 को अपना राजनीतिक अप्रोच लगा के और एसएमसी से साठगांठ करके 29/4/2017 को ये जो बिल्डिंग आज भी अधूरी पड़ी है 1.5 साल पहले ये पीयूसी लेके आए हैं। अब मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू करने से पहले आप सभी मेरे साथ कृपया 1 मिनट का राउंड काट लेंगे तो आपको बात सब कुछ समझ में आ जाएगी, मुझे उत्तर देने में भी इजी रहेगा और आपको सवाल करने में भी इजी रहेगा। मेरा खाली आपसे नम्र निवेदन है कि 5 मिनट खाली 1 मिनट का चारों तरफ राउंड लगा लीजिए, आपको सब वस्तु समझ में आ जाएगी कि ब्रिटेनों ने कितना अत्याचार हम फ्लैट ऑनर्सों पर किया है, चोरी ऊपर सीमा चोरी तानाशाही, ये पूरी डिटेल में आपको वापस आने के बाद में बताऊंगा। मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार मेरे साथ में आए और ब्रिटेन का एक सराउंडिंग राउंड काट लीजिए और क्या क्या परिस्थिति है मैं आपको अवगत करा देता हूँ। काम करिए। बिल्डरों का पहला नाम बताइए। बिल्डर एस के कॉर्पोरेशन के इनके नाम से इनकी पार्टनरशिप डील है। कौन कौन है उसमें? सब एक से एक बड़ी हस्ती है। बोलिए। श्री कीर्ति भाई पटेल, इनको आप सभी जानते होंगे, ये श्री नरोत्तम भाई पटेल के सुपुत्र हैं। नंबर 2 अनंत भाई रांधेरिया का, अनंत भाई रांधेरिया बिल्डर है, उनके रनिंग में 5-6 प्रोजेक्ट अभी भी चालू है, उनका सब इसमें पार्टनर है। नंबर 3 पे शंकर भाई मारवाड़ी, वीआईपी रोड उन्होंने डेवलप किया है, आज भी उनके 8-10 प्रोजेक्ट रनिंग में है और उसके मेजर पार्टनर वो भी है। उसके बाद में श्री कौशिक भाई पटेल, श्री सूर्यकांत भाई पटेल, श्री शिव कुमार जी भक्कड़ और श्री शंकर भाई कुरकुरे। इन लोगों का 2 साल से इंजन और भागीदारों में झगड़ा चल रहा है, 1 साल से कंप्लीटली दस्तावेज नहीं कराने का इसके आया हुआ है। ऐसे कई फ्लैट ऑर्डर से इन्होंने पूर्ण रूप से पेमेंट कर दिया है, उनके दस्तावेज 2-2 साल से 1-1 साल से अटके हुए हैं। जिस दिन फ्लैट ऑर्डरों के 2-2 बार लॉन्च
थोड़ी है, आप देख रहे हैं सामने एक साल से भूख लगे हुए हैं, सामने बिल्डिंग है, फायर सेफ्टी का कुछ नहीं है, मतलब आप देखेंगे आप परसा बैठे आ जाएगा। एसएमसी अधिकारी हम कमिश्नर साहब को दो बार रिजॉल्व करके आए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया, दोबारा हम कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मैं जो इंजीनियर साहब थे उनको बुलाया और बोला कि मुझे 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्टिंग चाहिए, आप कल जाके सर्वे करके आए और मुझे रिपोर्टिंग करें। उस बात को आज 12 दिन हो गया है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। उन्होंने हमारे सामने बोला कि यदि मेजर काम कंप्लीट करके नहीं देते हैं तो इसकी तुरंत प्रभाव से नीचे कैंसिल कर देगा, उसकी लेटर की कॉपी मैं आपको दूंगा। एसएमसी अधिकारी तपास के लिए आए, ना मालूम किस अपनी घटना का वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अपनी घटना मीटिंग में घट जाए उसके बाद में कुछ एक्शन लें। कमिश्नर साहब ने हमारे सामने बुला के मेरे सामने केतन भाई के पास भी भेजा था, केतन भाई ने भी उनको फटकार लगाई, बाकी नीचे वाली मिली भक्ति के कारण आज दिन तक 3 महीने से एप्लीकेशन लेने के बाद में रिजल्ट 0 है उसका। सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया है, अभी तक प्रेशर किया तो खाली 2 ग्रेड इन्होंने लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्डिंग का भी प्रदर्शन मिला है उसके अंदर, उसके बाद में आज किसी ने इतने बड़े बड़ी दरारें पड़ गई है जो आज भी तमाम बड़ी 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 दुर्घटना होने वाली है, वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। 3 लाख पानी लीटर, 3 लाख के पानी की टंकी है, उसमें 25,000 लीटर पानी भरा जाता है, चारों तरफ से पानी निकल है। अभी आप नीचे जाएंगे मैं आपको बता दूंगा उसकी क्या पोजीशन है। इसलिए आप सभी भाइयों को बुलाया है कि एक बार आप मिट्टी का सर्वे कर लें, उसके बाद में आशुतोष जी आपको थोड़ी डिटेल देंगे, थोड़े हमारे भाभी जी आपको डिटेल देंगे, उसके बाद में कोई भी सवाल सवाल होगा उसका आप जवाब दीजिए। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। सबसे पहले तो शॉर्ट नोटिस का आप सब यहाँ पे आया। वैसे ये बिल्डिंग 2010 में जब से शुरू हुई है तब से यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बिल्डरों के एंड से चल रहे थे जो कि आज तक सॉर्ट आउट हुए नहीं है। बिल्डरों के आपस में भागीदारों में झगड़े, हाईकोर्ट में इनका केस भी चल रहा है जो कि पैरवी बिल्डर ही कर रहे हैं, हमारा लेना देना नहीं, लेकिन उसमें इनोसेंट फ्लैट होल्डर्स फंस गए, उनके दस्तावेज रुके हुए हैं। बिल्डिंग के सेफ्टी नॉर्म्स जैसे हमारे निर्मल जी ने आपको बताया, सब टॉयलेट है जहाँ पे ग्रिल होनी चाहिए ग्रिल नहीं है, आज 10 फुट की जाली विंडो है बिल्डिंग में सभी फ्लैट्स में, वैसे किसी भी विंडो में जाली नहीं की है। देरा से बचने के लिए मिली भगत करके इन्होंने पहले से ही यूसी ले ली। हमने कमिश्नर साहब से जो रजवाद करी कि साहब यहाँ पे काम नहीं हुआ, सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ है, तो उन्होंने भी यही बोला कि अगर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन और बिल्डर काम नहीं करता है तो बीयूसी कैंसिल करे। इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि एसएमसी बिना जांच पर्चे को पीयूसी देगी नहीं, और अगर एसएमसी बोलती है पीयूसी कैंसिल करना, इसका मतलब क्या समझे हो? आप ही ने दिया और आप ही कैंसिल करना चाहते हो, इसका तात्पर्य आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। बिल्डिंग का नाम जैसे आप पढ़ सकते हैं स्विमिंग पैलेस, यहाँ पे हर एक फ्लैट में स्विमिंग पूल दिया गया है। बिल्डरों ने अपने फ्लैट में डेमो फ्लैट में शानदार स्विमिंग पूल बनाया, और जब फ्लैट ओनर्स की बारी है तो वो एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग हमारी भागीदारी पेड़ कंगाल हो चुकी, पैसा नहीं हमारे पास, इसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। आज जिन लोगों ने एक एक साल से, दो दो साल से, तीन तीन साल से बिल्डर्स को पैसे दिए हैं, हमारे जैसे आंटी बैठे हुए यहाँ पे, ये 4 साल तक भाई के मकान में रहे, यहाँ पे इनके 2 फ्लैट है, दोनों का पेमेंट करे हुए, इनको जमानत भी दिया, बैंक के लोन की किस्तें भर भर के करते हैं, लेकिन इनको इनका फ्लैट मिला 1 साल पहले। ऐसे हमारे एक और माननीय सदस्य हैं, इसी बिल्डिंग में रेंट पे रह रहे हैं आज 1 साल से, और उनका फ्लैट बिल्डर ने अंदर कुछ भी काम करके अभी तक दिया नहीं कि वो अपना घर बना सके। मतलब आपका मकान भी है और आप उसको दूर से देख के राजी हो कि हमारा घर है, आप रह नहीं सकते हो। इसके सिवा बच्चे सबके घर में होते हैं, आपके छोटे बच्चे हमारी बिल्डिंग में बहुत सारे हैं, जहां तहां आप गार्डन में देखेंगे खुली वायरिंग के, अभी 4 दिन पहले एक अकस्मात होते होते बच्चा वायर पानी डाला था माली ने,
पानी में धुआं उठने लग गया, देख चेक किया गया तो पता चला यहाँ तो करंट था पानी में। अब कोई बच्चा उसमें भूले छुपे पैर रख दे तो भाई साहब क्या अकस्मात हो सकता है, सब बिछाड़ सकता है, वायर अभी भी वैसे खुले पड़े हुए, आप बाहर जाएंगे तो आपको दिखेगा। इसके सिवा बिल्डिंग में बेसमेंट है, हमने अच्छा हम यहाँ बैंकुएट हॉल में बैठे, इसको कॉल्ड बैंकुएट हॉल हमारी बिल्डिंग का, इसमें एसी भी मीटर कैसे सेकंड हैंड उठा के लाके लगा दिया। नई बिल्डिंग में सेकंड हैंड एसी अगर कोई लाके लगाता है तो हम सोच सकते हैं बिल्डर किस दयनीय स्थिति में होंगे हमारे। सबसे बड़ी बात हमारे बिल्डर इस बिल्डिंग में तीन बिल्डिंग है, तीन टावर्स का प्रोजेक्ट है, हर टावर में 18 फ्लैट्स हैं, टोटल 54 फ्लैट्स हैं, जिसमें से बिल्डरों ने शायद ये दुनिया की पहली कंपनी से भागीदारी पेड़ी होगी। जनरली कोई भी व्यापार करता है तो व्यापार करने के बाद में जो बचता है वो नफा होता है, या इन्होंने नफे के फ्लैट पहले बांट लिए, बोले भैया पैसा नहीं है तो नफा पहले बांट लो, जो माल बिकेगा उसका पैसा है उससे बिल्डिंग कम्प्लीट करेंगे। और उसी का एक कारण है कि आज की एक में भी बिल्डिंग कम्प्लीट नहीं, सबसे बड़ा कारण यही है कि नफा बिल्डरों ने आपस में बांट लिया, फ्लैट आपस में बांट लिए, अब झगड़ रहे पैसा निकाले तो निकाले कौन। अब उस झगड़े में जो बेचारे इनोसेंट फ्लैट होल्डर्स हैं, आज सबसे छोटे आदमी हैं, हर कोई बैंक लोन लेकर के अपना सपना सजाता है कि हम अपना मकान बनाएंगे, यहाँ पे 15 लोगों में से 13 लोगों का सपना तो अधूरा ही रह गया आज तक। क्यों? हर कोई किसी ना किसी कारण से प्रताड़ित है, या जिसने घर कंप्लीट नहीं किया तो अपने पैसे लगा के घर कंप्लीट कर, जब बिल्डर के आस रहे कि कब बिल्डर उसका रिफंड देगा। एक्सेसरीज है बिल्डर ने नहीं दी है, एमिनिटीज है बिल्डर ने कोई कंप्लीट नहीं करी है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग एकदम लैप्स में है। सर इसमें ब्रोशर में सेंट्रली एसी मकान देने का इसमें जिक्र है, किसी फ्लैट होल्डर को उन्होंने सेंट्रली एसी नहीं दिया है, ब्रोशर की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें 3-3 लाख मांगे, हर चीज का स्विमिंग पूल का खाली खट्टा बेच रखा है आपको दिखेगा, और जो उन्होंने सैंपल फ्लैट में दिखाया है उसकी वस्तुस्थिति भी आपको दिखाई जाएगी। हमने 100 बार उनसे बोला है, बोलते कि हमारा वो पार्टनर पैसा नहीं दे रहा, हमारा वो पार्टनर नहीं दे रहा, हमको क्या लेना देना है, हम क्या मदद कर सकते हैं आप हमें बताइए, और वो उनको कोई वो सुनते नहीं। परसों भी उन लोगों ने हमारे साथ में 5 घंटा मीटिंग की और उसका रिजल्ट जीरो, बोले आप सेटलमेंट करो। अरे भाई किस बात का सेटलमेंट करना है? अमूमन आपने तो एक फ्लैट कितने रुपए का था यहाँ? एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का खरीदा। कितना स्क्वायर फीट है फ्लैट? फ्लैट भाई साहब 5600 स्क्वायर फीट है, 5800 स्क्वायर फीट है और 6600 स्क्वायर फीट है, 300 उसने किरण लिखा हुआ है, बी और सी टावर की
₹1100 एक लिफ्ट वाले को पेमेंट करना था, वो उन्होंने 20 दिन बाद में दिया है, तब जाकर लिफ्ट चालू हुई। अभी 20 दिन पहले 3 साल का बच्चा 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। आप मेरे साथ एक बार मीटिंग का राउंड काटेंगे, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि हम लोग कितने दुखी हैं। Thank you.